चलिए आप सब लोग का स्वागत है। हर बृहस्पतिवार को ट्रेनिंग की विशेष श्रृंखला हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें आज ट्रेनर के बजाय हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद बात करें। और हम लोगों ने आज निर्णय लिया था कि कैंसर पर हम लोग बात करेंगे। इस डिस्क्लेमर के साथ आपको ये बात हम बता रहे हैं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन इस प्रेजेंटेशन को हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI USA और जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिंस सहित कई एक जर्नल से चीजों को उठाकर आपके सामने बता रहे हैं। और इसके अतिरिक्त एक बहुत शानदार किताब है, व्हाट योर डॉक्टर्स डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू बाय डॉक्टर रे डी स्ट्रैंड, जो स्वयं MD हैं US में, उनके आधार पर और अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। डिस्क्लेमर के साथ हम लोग ये बात शुरू कर रहे हैं आपके साथ। ये बात शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताते हैं कि कैंसर न सिर्फ हिंदुस्तान में अपितु संपूर्ण विश्व में एक ऐसी भयावह महामारी का रूप ले रही है कि जिसके बारे में जब आंकड़े आप देखिएगा और जिसकी जब इसकी भयावहता को आप महसूस कीजिएगा तो आप स्तब्ध रह जाइए। आप याद कीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यदि आप आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, जो लोग उस उम्र के नहीं है वो अपने मदर फादर से, दादा दादी से पूछ सकते हैं, यदा कदा कभी कभार सुनने में आता था कि फलाने का डेथ कैंसर से हो। और कैंसर शब्द सुनने के साथ ही रोंगटे खड़े हो जाते थे और लगता था कि कैंसर हो गया मतलब अब वो नहीं बचेगा। वो कुछ हद तक अभी भी सही ही, लेकिन कैंसर बहुत रेयर हुआ करता था, उसके कई एक कारण भी थे और कई बार मेडिकल साइंस के प्रगति उतना नहीं होने के कारण पता भी नहीं चलता था कि किसी को कैंसर है भी या नहीं। हम लोग लगातार हेल्थ के बारे में बात करते हैं। पोस्ट कोविड पीरियड में दुनिया बहुत जागरूक हुई, संसार हर क्षेत्र में, हर देश में, हर समाज के, हर आयु वर्ग के, हर सामाजिक पृष्ठभूमि के, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग अब स्वास्थ्य, पोषण, न्यूट्रिशन, हाइजीन आदि विषय पर चर्चा करते हैं, समझना चाहते हैं और कुछ हद तक समझते भी। कई लोगों के घरों में आप पाइएगा कि पुरानी दादी दादा कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। मेडिकल साइंस में प्रगति के उपरांत सजगता बढ़ने के कारण, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के कारण, जो पहले फेज का कॉन्टेजियस डिजीज था, छुआछूत की बीमारी थी, महामारी थी, वो अब लगभग पूरी दुनिया से और भारत से तो लगभग इरेडिकेट खत्म हुई हो चुकी है। हैजा, कोलरा, प्लेग, TB, ये सब बीमारी जो है अब लगभग खत्म हो चुका है। पोलियो हम लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण, रहन सहन, खान पान, मिट्टी में उर्वरकता के अभाव, कृषि के वैश्वीकरण, कृषि के बाजारीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन होने के कारण और बेतहाशा फर्टिलाइजर के उपयोग, पेस्टिसाइड्स के उपयोग,
हर्बिसाइड्स के उपयोग, खानों में मिलावट के कारण, लाइफस्टाइल में हो रहे परिवर्तन के कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसको NCD बोलते हैं, वो फैलना शुरू हो गया। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज की तारीख में न सिर्फ भारत की अपितु तो पूरे संसार, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, और उसमें अन्य बीमारियों के अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर सिरोसिस और कैंसर आदि भी प्रमुख है। आज हम लोग अपनी चर्चा को कैंसर पर ही केंद्रित रखेंगे। आइए हम लोग फॉर्मल बातचीत की शुरुआत करते हैं, और हम तमाम लीडर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए। दूसरे के बताने के पूर्व सबसे पहले हमारा खुद का, हमारे परिवार का, आसपास और सभी लोगों का जीवन बहुमूल्य है। जीवन का कोई विकल्प नहीं है, लाइफ का कोई विकल्प नहीं। एक गाना हम लोग कभी सुने थे, उस गाने को अगर आप उसके लाइन को, उसके लिरिक्स को अगर आप सुनिएगा, एक गाना था मनहर का, गाने का तो पूरा लाइन नहीं याद है, वो कहता है कि मैं तो, हाँ, कुर्बानी फिल्म का गाना, हम तुम्हें चाहते हैं इतना, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। तो याद कीजिएगा, कुर्बानी फिल्म का गाना था, जीनत तमान और विनोद खन्ना और फिरोज खान का, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो, यानी मरने वाले की, माने आप इसको समझिए कि चाहत का उत्कृष्ट बिंदु, चाहत का जो सर्व उच्चतम स्तर है चाहने का, वो क्या होगा, मरने वाला व्यक्ति जीवन चाहता हो। इससे बड़ा चाहत इस संसार में, इस सृष्टि में कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए आज होलिस्टिक हेल्थ की बात भी हो, हम उस पर भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। होलिस्टिक हेल्थ के बारे में अगर आप जानिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि संपूर्ण विश्व आज हिंदुस्तान के वैदिक काल और हमारी जो आयुर्वेद की परंपरा है उससे बहुत सारा चीज कैरी करती है। हम लोग पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं कि संसार का जो पहला फिजिशियन हुआ था, पहला डॉक्टर फिजिशियन हुआ था, वो चरक थे, महर्षि चरक। He was the first physician of the world. और महर्षि सुश्रुत इस दुनिया के पहले सर्जन थे। कहते हैं कि 6th century AD से लेकर और 10th century AD तक, कुछ लोग इसको 6th century BC से 10th century AD तक, यानी 1600 वर्ष तक भारतवर्ष संपूर्ण दुनिया का मेडिकल साइंस का सर्वश्रेष्ठ स्थान होता। उसमें 5 तत्व की चर्चा होती है, शरीर 5 तत्वों से बना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, और इस 5 तत्व के संतुलन को वात, पीत और कफ बोलते हैं। जब उसका संतुलन बिगड़ता है तो बीमार, और इसलिए कुछ कुछ गुड हैबिट्स, इनफैक्ट चरक और महर्षि सुश्रुत के बाद जो आए महर्षि बागवत, उनके 2-3 फॉर्मूले को जरूर याद रखिए, हम उसको पालन भी करते हैं, आप भी पालन करते होंगे, वहां से बोलकर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। 5 नियम बना लीजिए जीवन का, और ये बड़ा सरल नियम, बहुत ही सिंपल नियम, कुछ नहीं ज्यादा। पहला, सुबह उठते के साथ ब्रश और जीभ ही नहीं करिए, क्योंकि आपके जीभ पर कई 1 trillion गुड बैक्टीरिया, जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, वो जमा रहता है। और हम लोग सुबह उठते हैं, या तो सिगरेट पी लिए, या तो खैनी खा लिया, या ब्रश करके जीभ ही कर दिए,
वो सारा गुड बैक्टीरिया आपको बाहर निकल जाए। महर्षि भागवत कहते हैं कि सुबह उठते के साथ बगैर कुल्ला किए हुए आंख धो सकते हैं आप, हल्का सुसुम पानी ल्यूक वार्म वाटर एक से दो गिलास आप पी लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो असंख्य गुड बैक्टीरिया, असंख्य अच्छे बैक्टीरिया जो आपके गट को ठीक रखते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन होते हुए, स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन में जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो पहला नियम। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, कम से कम 45-50 मिनट के बाद ही पानी पीना। ऐसा इसलिए बताया जाता है कि जो पेट है, पेट में HCl का सिक्रीशन होता है और हम लोग सब लोग जानते हैं उसको जठर अग्नि बोलते हैं, जठर अग्नि, पेट का आग। आप इसको सोचिए कि आपने जैसे ही खाना लिया शरीर, तो वो जो जठर अग्नि है, आग है, उस खाने को पचाता है, जलाता है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, और आपने खाने के साथ पानी पी लिया, तो ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे चूल्हा पर आग लगा हुआ होता खाने बनाने के लिए, उस पर आप पानी डाल दिए तो अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए कहता है कि खाना खा अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो आपका शरीर में जो भोजन गया है वो सड़ जाएगा। तीसरा, खाना खाने के पूर्व मतलब 30-40 मिनट पहले पानी पी लीजिए। पानी पी करके भी खाना अच्छी बात है। तीसरा नियम। चौथा नियम, यथासंभव ठंडे पानी से नहाइए। कहता ठंडा पानी से नहाना और गर्म पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसके ठीक उलट गरम पानी से नहाना और फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीना, ये पूरे शरीर के लिए व्याधि का काम कर। ये चौथा नियम याद रखिए। ठंडा, इसलिए इस बार पटना बड़ा अच्छा अंकुर और तरु गुप्ता ने बताया था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना भी महेंद्र कपूर का। तो ठंडा पानी से नहाना और सुसुम पानी पीना। और पांचवा और अंतिम नियम कि पानी को घुट घुट करके पीना चाहिए। जैसे हम लोगों का आदत रहता है क्या आजकल, मैंने लाइफस्टाइल जो गया, गए गर्मी से आए फ्रिज खोले बोतल निकाले गट 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 पूरा पी लिए, दैट इज द मोस्ट डेंजरस एंड इनप्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये कुछ नियम है जिसको याद रखना चाहिए, और इसको अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे। और हाँ, और अंतिम चीज उसी के साथ, भोजन यथासंभव रात में। वैसे तो एक बार हमको याद है डॉक्टर वीरेंद्र, पता नहीं जुड़े हैं या नहीं जुड़े, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंसान, देखिए जब प्रकृति के, प्रकृति से जितना आप नजदीक रहिएगा उतना ही स्वस्थ रहिए। ये जो किचन बना है, रसोई घर बना है, यह इंसान के बीमारी का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि जब आग नहीं था तब रसोई नहीं थी, तब इंसान प्रकृति से उतना ही उपभोग करता था जितनी उसकी जरूरत थी। फल को तोड़ के खा लेता था क्योंकि रखने की आवश्यकता तो थी नहीं, पकाने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब किचन आया तो हम लोग ने पकाना शुरू किया। उसके बाद भी आप याद रखिए, देहात में दिन के उजाले में खाना बन जाता था और रात होते होते, शाम ढलते ढलते चूल्हा में पानी डाल दिया था, उतार दिया जाता और सब लोग खा लेते। कहता है जब सूर्य उदय हो या सूर्य जब गगन में हो स्थित, उस वक्त आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट रहता, अच्छा रहता, और जैसे जैसे रात ढलती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता। इसलिए आप जितना देर रात में खाइएगा आपका खाना उतना ही कम पचेगा, नहीं मेटाबॉलिज्म कम हो और उतनी ज्यादा आपको बीमारी। इसलिए प्रयास करिए कि 7-7:30 में, जैसे हम 7:30 बजे खाना खा लिया, मीटिंग लेना था, थोड़ा सा लेट हो गया, 6:30-7:30, कभी कभी 6 बजे ही खाना, लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं खाना खाइए, लीक वॉर्म वाटर में अपना डिलीशियस फ्रूट ड्रिंक मिला के पी लीजिए। और यकीन कीजिए, इस धरती पर ईश्वर ने, हमने एक बार चर्चा की थी कि ईश्वर इस धरती पर कभी भी अन्न, अर्थ और अवसर की कमी नहीं होने देते, इस धरती पर कभी अनाज की कमी नहीं। हम लोग जितना खाना बर्बाद करते हैं उतना ही खाना इस संसार में भूखे लोगों के लिए पर्याप्त।
अन्न की कभी कमी, अवसर अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होगी, और अर्थ धन की कोई कमी नहीं है। हम उसका अनैतिक, अवैज्ञानिक और अनुचित वितरण करते हैं जिसके कारण गरीब। बहरहाल यहीं से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। तो आइए कैंसर पर बात, कि क्यों ये महामारी का रूप ले लिया, कैंसर है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। कौन कौन सी संस्थाएं कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके फैक्ट्स और फिगर्स क्या है, क्योंकि जब तक आंकड़ों को आप नहीं देखिएगा आपको डर नहीं लगेगा, और डरना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसान दो ही कारण से काम करता है, चाहे डर से चाहे ड्रीम से। तो आप ड्रीम से काम करिए, बहुत स्वस्थ रहना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ड्रीम से नहीं काम कर रहे हैं तो कम से कम डर से तो जरूर काम करें। तो आइए आपके साथ हम कुछ फैक्ट शेयर करते हैं। आई होप कि आपको स्लाइड दिख रहा होगा। हम अजय जी को अनम्यूट कर देते हैं बीच बीच में बात करने के लिए। स्लाइड दिख रहा है, क्योंकि हम सबको ये कर दिए हैं। ओके, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कैंसर। कैंसर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ डिजीज दैट कैन स्टार्ट इन ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन or tissue of the body when abnormal cells grow uncontrollably, go beyond their usual boundaries to invade, hum bata dete hain iska, invade adjoining parts of the body and or spread to other organs. The latter process is called metastatizing and is a major cause of death from cancer. A neoplasm or malignant tumor are other common names of cancer. ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन, मेरा नहीं। कैंसर बीमारियों का एक बड़ा समूह है जो शरीर में के लगभग किसी भी अंग, उत्तक, उत्तक का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो उत्तक बनता है, बहुत सारा उत्तक मिलता है तो ऑर्गन अंग बनता है। जब असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और अपनी सामान्य सीमाओं से परे जाकर शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती है और अन्य अंगों में फैल जाती है, इस प्रक्रिया को मेटास्टेटिंग स्टेजिंग कहा जाता है और यह कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। इसको नियोप्लाज्म और घातक ट्यूमर कैंसर आदि नामों से भी जाना जाता है। एक और डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बाय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, यूएस गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैंसर पर काम करता है। कहता है कैंसर इज अ डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनी वेयर इन ह्यूमन बॉडी विच इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। नॉर्मली ह्यूमन सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिविजन टू फॉर्म न्यू सेल्स एज द बॉडी नीड्स देम। व्हेन सेल्स ग्रो ओल्ड इट बिकम डैमेज एंड दे डाई एंड न्यू सेल्स टेक प्लेस। पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए नॉर्मल सेल ऐसा रहता है और कैंसर सेल ऐसा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, सामान्य बात समझिए क्या है कैंसर। आपको एकदम देहाती भाषा में मान लीजिए कि आपके दीवार में प्लास्टर किया हुआ है, प्लास्टर एक सिरे से है, सलीके से किया हुआ है, कोई जितना ईंटा है दीवार में वो समझ लीजिए सेल है आपके शरीर, और दीवार है वो आपका अंग है। अब कोई ईंटा किसी कारणवश पानी उसमें गया, वो फूल गया, या नहीं तो उसमें घुन लग गया, दीमक लग गया, ईंटवा को खा गया, तो या तो वो ईंटा सिकुड़ जाएगा या फैल जाएगा। जब वो ईंटा फैलेगा तो प्लास्टर में ब्लिस्टर पड़ जाएगा, प्लास्टर वह फूल जाएगा। या फिर आप देखिएगा
किसी फर्नीचर में आपने ऊपर से माइका लगा दिया, सनमाइका, लकड़ी में पानी गया, पानी से लकड़ी फूल गया, और जब वो फूलेगा तो सनमाइका में उभार हो जाता, ब्लिस्टर हो जाता है। हमें देहाती भाषा में बता, कैंसर कुछ नहीं है, हमारा हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स होते, खरबों सेल्स होते। सेल को अगर आम आदमी समझना चाहे तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। जैसे एक एक ईंट मिलके दीवार बनता और कई दीवार मिलकर के रूम बनता और कई रूम बन के घर बनता, ठीक उसी प्रकार कई एक सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, यानी टिश्यू दीवार है, और कई दीवार मिलकर के कमरा बन गया, अंग हो गया, और कई अंग मिलकर के घर बन गया, सिस्टम बन गया। तो ये जो सेल है उसमें निरंतर सेल डिवीजन होते रहते, एक सेल से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, सेल की संख्या बढ़ती है तभी हमारा ग्रोथ होता है। मरते मरते तक नए सेल्स बनते हैं, सेल्स का डिवीजन। सेल्स के डिवीजन में जो प्रमुख कारण है, बहुत बायोलॉजी बहुत ही टेक्निकल चीज है लेकिन एकदम आम आदमी की भाषा, सेल प्रत्येक सेल के अंदर एक केंद्र होता है, न्यूक्लियस, और उसमें डीएनए होता है। डीएनए आप लोग सुने होंगे, नीतीश जी एक बार बोलना शुरू किए थे कि बिहार के डीएनए में, तो डीएनए का मतलब आपके शरीर का सारा गुण उसमें अंकित रहता है, ठीक है ना, क्रोमोजोम्स के माध्यम से, उतना डिटेल नहीं जाते। तो जब सेल डिवीजन होता है तो वो डीएनए भी बट जाता, उसी दरमियान अगर तनाव के कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, या आप पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, बहुत धूप में रह रहे हैं, अलग अलग कारण है उस पर हम आते हैं, उसके कारण उस डीएनए में विकृति आ जाती है, और जो विकृति आती है तो वह जो सेल है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगता है, और इतना फास्ट बढ़ता है कि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और उसमें बढ़ जाता है, वो कैंसर का लगता है। इसीलिए आपको हमने ये फिगर दिखाया, ये फिगर आपने देखा कि देखिए नॉर्मल सेल्स है और ये फूल गया अनकंट्रोल होकर के भाग, ये कैंसर सेल। हम दो शब्द पर अभी लगातार बात करेंगे, इसलिए उस दो शब्द को पहले अच्छे से समझिए। एक को बोलते हैं फ्री रेडिकल और एक को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये दोनों बायोलॉजी के बहुत परिष्कृत शब्द हैं लेकिन हम एकदम आम आदमी की भाषा में इसको समझाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो जरूर समझेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो और समझ जाएं, एकदम देहाती भाषा। आपने चूल्हा जलाया, चूल्हा में कोयला डाला, कोयला में आग लगाया, आग से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से खाना बना, और जो कोयला है वो जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। यानी ये जो राख बना इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी आप जो काम करते हैं तो ऊर्जा कहां से मिलता है, ऊर्जा मिलता है उस सेल के अंदर, ऑक्सीजन है उसको जलाता है, खाना को जलाता है, तो जला तो ऊर्जा मिला था, आप काम किए, लेकिन जहां भी ऊर्जा पैदा होगा वहां राख निकलेगा, यानी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल आपका बनेगा ही बनेगा, फ्री रेडिकल को आप रोक नहीं सकते हैं। इसलिए कई बार बोलता है अच्छा जलने के लिए क्या चीज जरूरी है, ऑक्सीजन। अब जरा देखिए प्रकृति के विडंबना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने किताब ही लिख दी है पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की विडंबना। अब विडंबना यह देखिए कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो धरती नहीं चलेगा, आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन ऑक्सीजन के कारण ही हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन के कारण ही मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी बनता है, उसी के कारण फ्री रेडिकल्स बनता है और आदमी का शरीर डैमेज होता है। यानी ऑक्सीजन जो है ये पैराडॉक्स है, ये होना भी जरूरी है और इसके कारण कठिनाई भी। तो क्या हुआ, राख को बोलते हैं फ्री रेडिकल, और रखवा को साफ साफ कीजिएगा तो शरीर के राख को जो साफ करता है उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये दो शब्द याद रखें, फ्री रेडिकल हम उसका बायोलॉजी वाला भाषा हम नहीं बता रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है दूसरे को उसमें कंफ्यूज कर दे, एकदम देहाती भाषा में समझा।
जो राख बन रहा है उसको साफ करता है एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल का मेस्टर भी बोला जाता है। इट इज द स्कैवेंजर ऑफ द फ्री रेडिकल्स। जैसे देखिए प्रकृति ने कितना शानदार काम, जीव जंतु मर जाता है, सड़ जाता है, फिका रहता है उसके शव, उसको कौन खाता है? गिद्ध, चील, कौवा, वो लोग कौन है? स्कैवेंजर्स। यानी प्रकृति में बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर ने उसकी रचना की, लेकिन इंसान ऐसा कि उसको भी मरना, ऐसा ऐसा काम कर दिया कि वो भी मरने लगा, तो लाश फेंकाया हुआ सड़ रहा। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को रेगुलर साफ करता है। आपके शरीर में जितना एंटीऑक्सीडेंट रहेगा उतना ज्यादा फ्री रेडिकल साफ होगा। यानी आपके चूल्हे की जितना ज्यादा सफाई होगी आपका चूल्हा उतना ही बेहतरीन ढंग से काम करेगा। अब खाना रोज बना रहे हैं, राख निकल रहा है और उसको साफ ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा होगा चूल्हा आगे नहीं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट है यह शरीर में अपने आप भी बनता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे कैंसर पर आएंगे, क्योंकि ये शब्द दोनों लगातार काम करें। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में अपने आप भी बनता है। कई एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में अपने आप बनते हैं, उसको इंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, जो शरीर अपने आप बनता है, लेकिन उतना ही से काम नहीं चले। आपको बाहर से भी एंटीऑक्सीडेंट फल और सब्जी और बाकी चीजों से लेने होंगे, और अगर वो नहीं ले पाते हैं तो सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने होंगे, और उसको एक्स्ट्रोजेनस एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। यानी जो शरीर अपने आप से एंटीऑक्सीडेंट पैदा किया और कुछ बाहर से लिया, तो आपका फ्री रेडिकल बैलेंस्ड रहा। आई थिंक इतनी चीज आप समझ गए। अगर समझ गए होंगे तो कृपया हैंड भी रेज कर सकते हैं, अगर हैंड रेज करने वाला ऑप्शन आप लोगों को पता हो तो। हम अभी अनम्यूट करने का एक ऑप्शन देते हैं ताकि इस सेशन को थोड़ा हम लोग इंटरेक्टिव बना दें। हम चलिए हम ऑप्शन दे दिए हैं अनम्यूट करके, जो जिनका वीडियो ऑन है उन्हें पूछते हैं। अमिताभ जी और संजीव जी का वीडियो ऑन है, बताइए। बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। सर फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट क्लियर हुआ आपको? जी बिल्कुल सर। संजीव जी ठीक है? ओके, आप मीटिंग में आती ऑफिस में। प्रोफेसर साहब? जी सर समझ गए सर। वेरी गुड, चलिए। तो बाकी जिनका नहीं खुला है वीडियो उनसे हम नहीं बात कर पाएंगे। एनीवे चलिए, तो ये दो शब्द को याद रखें। एक और शब्द याद रखिए, तब आगे हम ले चलेंगे चर्चा को। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या स्ट्रेस, तनाव जो होता है, जैसे फ्री रेडिकल बनने के क्या कारण है? ऊर्जा बना, काम किए, सनलाइट में गए, ये सब कारण हो सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे टेढ़ा कारण है वो है स्ट्रेस, तनाव। अभी उस पर आ रहे हैं। तनाव के कारण इतना फ्री रेडिकल्स बनता है, कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन क्रिएट सीक्रेट होता है, और इसलिए जो रिसर्च बता रहे हैं, अब उस पर हम आगे रिसर्च तो बात करेंगे, वो बता रहा है कि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वह कैंसर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तनाव, आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, लेकिन आपको लगातार तनाव, वो जो तनाव है ना, वो शरीर में जो हार्मोन निकलता है वो पूरा शरीर को एकदम समझिए कि जैसे छत फट जाता है तो पानी से पूरा दीवार खराब हो जाता है। इसलिए तनाव को मैनेज करना आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है, और उस पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। तो ये याद रखिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब तनाव होता है ऑक्सीजन बर्न होता है, उसके कारण फ्री रेडिकल बनता है, और वो फ्री रेडिकल ही कैंसर का प्रमुख कारण बनता है, हम आपको बता दें। आप थोड़ा स्लाइड पर चलिए आगे। आई थिंक तीन चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया है। अगर हम स्लाइड को पीछे ले जाएं तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया डिफिनेशन ऑफ कैंसर बाय WHO, डिफिनेशन ऑफ कैंसर बाय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये US गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो
कैंसर पर काम करती है, एनसीआई इसको शॉर्ट में। ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का इमेज है जो हमने आपको डाला है। अब कुछ जरा फैक्ट्स पर आइए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, उसका एक कार्यक्रम है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम, इसके अनुसार 2020 में 13,92,000 कैंसर के लोग थे पेशेंट नए, 21 में 14,26,000 और 22 में 14,61,000 ये नए पेशेंट। कैंसर से 2021 में 7,70,000 लोग मर गए, 2021 में 7,89,000 लोग मर गए और 2022 में 8,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है कैंसर से। इसको बोलते हैं ग्लोबल ए बर्डन ऑफ कैंसर। अभी तक एक्यूमुलेटिव फिगर है 2021 में 2,60,00,000 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे भारत में, 2025 में यह आंकड़ा बढ़ के 2,90,00,000 हो जाएगा और 2050 में यह आंकड़ा बढ़ के 3,50,00,000 हो जाएगा। इसीलिए भारत को डायबिटीज कैपिटल, डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, अब इसको कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया इज कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए हर एक 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए। कैंसर दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। अभी तक भारत में 10 मिलियन यानी लगभग 1,00,00,000 से ज्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी। छह में एक मृत्यु कैंसर से हो रहा है। सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोन कैंसर, मलाशय कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर से होने वाली लगभग 1/3 मौतें तंबाकू के सेवन, हाई बॉडी इंडेक्स बीएमआई बहुत मोटा हो गए, शराब का सेवन, कम फल सब्जी का खाना और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण होता है। कैंसर पैदा करने वाले संक्रमण खास करके जो हेपेटाइटिस के इंजेक्शंस वगैरह लिए जाते हैं वो सब एक प्रमुख कारण है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि अगर कैंसर जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया है, उसको ग्लोबोकैन बोलते हैं, लैटिन वर्ड है ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी WHO का। मैंने जो बताया था वही है, नंबर ऑफ न्यू केसेस 14,00,000, नंबर ऑफ डेथ्स आपके सामने है, नंबर ऑफ केसेस देखिए, इसको पढ़िए, ग्लोबल बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया। ये एक जर्नल का हमने स्क्रीनशॉट दिया है, लैंसेट का। लैंसेट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी मेडिकल जर्नल। ये पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन के कारण लोग मर रहे हैं। ये कुछ फिगर्स हमने आपको बताए जो ये जानने के लिए और ये समझने के लिए काफी है कि कैंसर किसी खास जाति में, किसी खास वर्ग में, किसी खास ज्योग्राफिकल भूभाग में, किसी खास आयु वर्ग में होता हो ऐसा नहीं। कैंसर महामारी की तरह दिन रात बेतहाशा बढ़ रहा है और यदि हमने अपना बचाव नहीं किया, प्रिवेंशन नहीं किया, तो एक तो इसकी थेरेपी बहुत कॉस्टली है और बहुत पीड़ादायक है। लोग बताते हैं कि कैंसर का जो केमोथेरेपी होता है वह कैंसर के दर्द से भी ज्यादा भयानक, और इसलिए कई बार लोग मतलब इच्छा मृत्यु मांगने लगते,
डेथ का विश करता है कि हमको अब मार दीजिए, जान छोड़ दीजिए, इतना पेन होता है। इसलिए सावधानी और बचाव ही सर्वश्रेष्ठ। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, एक आज आपको एक बहुत बड़ा भ्रम आज तोड़ दें। आपको पता नहीं कि लोगों ने, डॉक्टर साहब लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, डॉक्टर विमल बिहारी जुड़े हैं या नहीं, अगर जुड़े हो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जुड़े हों तो, या और डॉक्टर है तो। आमतौर पर लोग बोलता है कि जो कैंसर होता है वो डिटेक्ट होता है तो उसका तीन स्टेज, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्शियरी स्टेज। लोग बोलते हैं कि प्राइमरी स्टेज में ठीक होने के चांसेस बहुत रहते हैं, सेकेंडरी स्टेज में थोड़े कम रहते हैं और थर्ड स्टेज में बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, डॉक्टर रेडी स्टैंड कहते हैं कि इस पहले स्टेज के पहले भी तीन स्टेज होता, अगर उस तीन स्टेज को पार करेगा तब एक्चुअली पहला स्टेज, उसको बोलते हैं केमो प्रिवेंशन स्टेज वन, केमो प्रिवेंशन स्टेज टू और केमो प्रिवेंशन स्टेज तीन। आज उसी पर हम बात करें कि हम रोक सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर, और उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आचार व्यवहार और अपनी आदतों में बदलाव लाना, अपने खान पान में, और सप्लीमेंट्स जो हमारे पास इतना जबरदस्त मिला हुआ है जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, उसके सहारे आप अपने जीवन की और बाकी बहुत सारे लोगों के जीवन को आप बचा सकते। आइए उस पर बात करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूएस सेंटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल। उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, वो रिपोर्ट कहती है कि आम लोगों की यह धारणा है कि स्वस्थ रहने के लिए मेडिकल केयर की बहुत अहम भूमिका होती है। वो कहता है कि मेडिकल केयर मात्र 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके स्वस्थ जीवन के, 18% मैटर करता है आपका हेरिडिटरी, और 13% और 15% डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट। कितनों एनवायरनमेंट खराब हो गया तब भी मात्र 13-14% वो कंट्रीब्यूट करता, और 53% यानी आधा से ज्यादा 53% वो कंट्रीब्यूट करता है आपका लाइफस्टाइल और आपका चॉइसेस। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं यदि, तो आज भी आधा से ज्यादा संभावना है कि आप स्वस्थ रहिए। इसलिए स्टॉप एक्यूजिंग एनवायरमेंट, स्टॉप एक्यूजिंग हॉस्पिटल्स, स्टॉप एक्यूजिंग योर हेरिडिटरी और बॉडी मेकअप, इन सभी चीज को गरियाना छोड़िए। अच्छी आदतें, अच्छा लाइफस्टाइल, मॉर्निंग न्यूट्रिशन इतना बढ़िया शुरू किया है उसको आप एडॉप्ट कीजिए, ठीक से चीजें बदल। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आहार का क्या, आहार और पोषण इसका क्या रोल है। इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन हम आपको बताते चलें कि अगर आपने इन आहार का ग्रहण किया तो आपके कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। एक्रिलामाइड फूड स्टोन क्या, चिप्स, तला हुआ चिप्स, फ्रेंच फ्राई और खूब गर्म हाई टेम्परेचर में पकाया गया खाना वेरी डेंजरस। इसलिए बार बार बोलता है कि धीमी आंच में खाना पका। जल्दी खाना बनाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में फुल आंच कर दिए, मारे सीटी, 5 को सीटी मारे खाना लगाया, खा के निकल। अब एमवे क्वीन कितना शानदार बनाया है, ऑप्टी टेम्प एंड वाइटा लॉक, ऑप्टिमल टेम्परेचर कम आंच में और वाइटा लॉक, इसका विटामिन सारा लॉक हो जाता है। अल्कोहल एंड कैंसर रिस्क, आंकड़े बताते हैं कि शराब पीने से कैंसर के चांसेस, तंबाकू खाने से कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते। एंटीऑक्सीडेंट एंड कैंसर प्रिवेंशन, मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस अगर आप लेते हैं, फल, सब्जी, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, खूब हंसते मुस्कुराते हैं
पॉल्यूशन में नहीं रहते हैं और अच्छे सप्लीमेंट्स, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो यह आपके मॉलिक्यूल्स जो डैमेज होता है, जो फ्री रेडिकल्स, देखिए यही फ्री रेडिकल्स, इसको चेक करेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड कैंसर, गर्मी का दिन है, गए बाजार में माजा आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला हुआ, शेक आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला हुआ, जितने भी ब्रेवरेजेज हैं, कोका कोला, लिमका, जहर है बंदूक, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कृत्रिम मिठास प्रमुख कारण है कैंसर का। बंद कीजिए अपने घर में लाना। आप एनर्जी ड्रिंक का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ का शरबत बनाइए, ठीक है। केमिकल इन मीट कुक्ड एट हाई टेम्परेचर, जो मटन, जो आप मछली ला रहे हैं, जो मटन ला रहे हैं, चिकन ला रहे हैं, उसमें अगर केमिकल मिलाया हुआ, आप देख रहे हैं ना मुर्गियों का क्या कर रहा है, उसको इंजेक्शन दे दे रहा है, 10 दिन के अंदर मुर्गी 3 केजी की हो, खस्सी को एस्टेरॉइड्स दे दिया, तुरंत पठरू बड़ा हो गया, और उसको अगर आप हाई टेम्परेचर में कुक करते हैं तो वो बहुत ही डेंजरस होता है आपके डीएनए में म्यूटेशन के लिए और कैंसर के लिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स एंड कैंसर, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का मतलब समझते हैं, हरी पत्तेदार कांटेदार सब्जी, कोई आदमी उसका उदाहरण बताइए। खेसारी का दाल उसी में आएगा क्या सर? नहीं, सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ठीक है, आपको साग हो गया, चना का, सरसों का साग हो गया, खेसारी का साग हो गया, ठीक है, इस टाइप की सब्जी। फ्लोरिडेटेड वाटर, जिस पानी में बहुत फ्लोराइड होता है। ओबेसिटी एंड कैंसर, अगर आपका मोटापा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत बड़े। विटामिन डी, एस्बेस्टस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है एस्बेस्टस, इसलिए याद रखिए घर में कभी भी एस्बेस्टस का सीट ऊपर मत लगाए। एक रिसर्च हुआ था, इसलिए सरकार ने कानून भी बना दिया, एस्बेस्टस बनाने की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, वो आपको एस्बेस्टस की फैक्ट्री नहीं मिले। एस्बेस्टस की फैक्ट्री में काम करने वाले, मैंने 10 में से आधा से लोगों, ज्यादा लोगों को कैंसर हो गया, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकमेंड किया और खत्म कर दिया। स्ट्रेस एंड कैंसर, इसकी चर्चा मैंने की, तो आप यूं समझिए कि इन चीजों के अलावा स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, और ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि इन चीजों में तो आप बदलाव ला सकते। You can stop smoking, you cannot smoke, stop alcohol. आप एक और चीज आपको बताते हैं, सब लोगों के घर हैं, किचन गार्डन को प्रमोट करिए। आजकल थैला में, वो बोरे में मिट्टी डाल करके अपने से छोटे छोटे सब्जी लगाइए, छत फूल पत्ती लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर है कि फल उसकी सब्जी लगाइए, छोटा छोटा चीज, धनिया का पत्ता, पालक हो गया, भिंडी हो गया, ये सब कोशिश कीजिए उसको लगाने। तो स्ट्रेस जो है वो प्रमुख कारण हो गया है आज की तारीख में कैंसर का, इसकी चर्चा मैंने की। तो आहार यानी न्यूट्रिशन और डाइट और कैंसर का क्या संबंध है, ये आपने देख लिया। अब हम आइए जिस पर बात कर रहे हैं कि एक्चुअल जब कैंसर हो तो क्या होता है, बता दिया आपको, कैंसर कुछ नहीं है, आपके शरीर में कोई सेल में अचानक से ज्यादा ग्रोथ होने लगा। वो ग्रोथ क्यों होने लगा, इन कारणों से सेल में जो डिवीजन हो रहा था, उसका जो डीएनए है उसमें विकृति आ गई, उसके कारण सेल का आकार बढ़ गया, वो 1 से 2 सारी बाउंड्री को तोड़ फोड़ करके वो बढ़ना शुरू हो गया, और वही कैंसर।
किसी को कैंसर हो, केमोथेरापी में क्या करता, जहर डाल करके उस सेल को मारा जाता, लेकिन वैसा मारने के क्रम में आसपास के भी सेल्स को मार दिया। सर्जरी में क्या किया जाता है, जो सेल्स डैमेज हो गया उसको काट के निकाल दिया जाता, लेकिन इतना फास्ट ही बढ़ता है ना कि आपको पता ही नहीं चले। और एक चीज और बता दें आप, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तीनों स्टेज पर आपको, आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करेंगे कि कैंसर से पहले तीन स्टेज होता है, और उस तीनों स्टेज को अगर आप ठीक से समझ गए तो ईश्वर की कृपा से कैंसर के स्टेज तक कोई जाएगा ही नहीं, और अगर गया भी तो उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हो, सब रिसर्च पेपर के सारे हैं। आप लोग तैयार हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग दी सीरियसनेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक? जी, एक चीज यहीं पर बताते चलें कि एक और भ्रम है। कहता है कि आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर ने कहा कि साहब इस मरीज को कैंसर है। आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि उसका पहला लक्षण, यानी जो पहला सेल में म्यूटेशन हुआ था, पहले फ्री रेडिकल के कारण, स्ट्रेस के कारण या अन्य कारणों से जो पहला सेल मैलिग्नेंट हुआ, वह हो सकता है 20 वर्ष पहले हुआ। यानी कैंसर, फुल फ्लेजेड कैंसर डेवलप करने में 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक लग, लेकिन बच्चों में यह ज्यादा हो सकता है अगर डेवलप कर गया तो। क्यों? क्योंकि बच्चों का सेल डिवीजन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा ग्रोथ होता है। इसलिए बच्चों को जरूर बचाइए फास्ट फूड से, कार्सिनोजिन से, चिप से, मैगी से, बर्गर से, कोल्ड ड्रिंक से, पास्ता से, सैचुरेटेड फैट से, इन चीजों से बचाइए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैंसर शुरू होने के पहले वो कौन से तीन स्टेज है, और अगर उसको हम लोग जान गए तो हम उससे बच सकते हैं। देखिए, यह है केमो प्रिवेंशन स्टेज वन, यानी केमो प्रिवेंशन स्टेज वन। दिखाई पड़ रहा सबको? सील जी, दिखाई पड़ रहा है? यस सर, क्लियर है। अमिताभ जी? यस सर। गुड। द फर्स्ट स्टेज बिफोर केमोथेरापी, केमोथेरापी से पहले की आवश्यकता, पहले की अवस्था क्या है? पहला, धूम्रपान पर तुरंत रोक लगाएं। किसी प्रकार का तंबाकू, खैनी, पान, गुटखा आदि खाना तुरंत बंद करें। अल्ट्रावायलेट, अल्फा और बीटा किरणों से बचें, जैसे अभी धूप है। अब देखिए ना, पुराने समय में कितना बढ़िया व्यवस्था था, उजला गमछी लपेट करके चलना है, मुंह झांक कर चलता था ना। क्या करता था वो? अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता था। फैशन आया, उजला जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है किरण, इसलिए कहता है कि जाड़ा के दिन में काला पहनिए और गर्मी के दिन में उजला पहनिए, उजला रंग का गमछी। फैट युक्त, खास करके ट्रांस फैट, सैचुरेटेड युक्त फैट खाना नहीं खाएं। ट्रांस फैट, ये सब आप लोग जानते हैं। आप देखिएगा कि होटल में खाना खाइएगा तो आप चिकन खाइए, मटन खाइए, अंडा खाइए, सब्जी खाइए, सबका ग्रेविया एक के टेस्ट कराता। या बाजार में आप मंचूरियन खाइए, उसका एक ही टाइप का टेस्ट होता है। उसमें एक डालता है कि इंग्रेडिएंट, उसको बोलते हैं अजीमो मोटो। अजीमो मोटो इज हाईली डेंजरस। अजीमो मोटो की खासियत क्या है कि सड़ गया है ना सब्जी, उसमें अजीमो मोटो डाल दीजिए, वो फ्रेश लगेगा। इसलिए बाहर में जो आप खाना खा रहे हैं और उसमें अगर अजीमो मोटो डाला हुआ है तो उसके दो
चांसेस है। पहला वो खाना सड़ा हुआ था और दूसरा उसमें वही जहर है जिसको आप खा रहे हैं। कार्सिनोजेन से सावधान रहे, जैसे रेडिएशन, अनावश्यक गए डॉक्टर साहब, एगो एक्सरे करा के चलाई, सीटी स्कैन करा के चलाई, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत। मैंने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स, अननेसेसरी मेडिकेशन और अननेसेसरी एक्सरे और सीटी स्कैन ने इंसान को जितना बीमारी से बचाया नहीं, उतना ज्यादा बीमारी पैदा किया। कीटनाशक, रासायनिक खाद, एस्बेस्टस, केमिकल युक्त भोजन, केमोथेरापी प्रिवेंशन नंबर 1, ये तो आप कर सकते हैं। और अगर कीटनाशक प्रयोग किया हुआ फल सब्जी ही आपको आ रहा है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो एक चीज तो आप कर ही सकते हैं, वेजी वॉश का प्रयोग करिए। होम केयर का प्रोडक्ट है वेजी वॉश, कितने लोग वेजी वॉश का प्रयोग करते हैं सो जान लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो सबसे पहले वेजी वॉश कर लीजिए। और जितना भी फल और सब्जी लाते हैं घर में, सबसे पहले उसको एक ठेपी डाल करके एक कठौती में और फल सब्जी को उसमें डाल के छोड़ दी आधा घंटा, जो बता रहा है उसमें उसका इंफॉर्मेशन के हिसाब से करीब 70-80-90% तक कीटनाशक और उसका जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स है उसको वॉश कर देता है। तो ये आप कर सकते। अब आइए, ये तो बिल्कुल प्रिवेंशन है, ये हम लोग कर सकते हैं। अब आइए दूसरा स्टेज, साहब आपको नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, फल सब्जी ले रहे हैं बाजार में, रंगले मिल रहा है, पेस्टिसाइड का प्रयोग हो ही रहा है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिली, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जब देश आजाद हुआ तो हम लोगों को खाना की कमी थी, तो अमेरिका में जो खाना, जो गेहूं बर्बाद हो गया था, जिसको कोई ने खाता था वो हम लोग को दे दिया, ठीक है भाई, उसको कहा था हम लोग गरीब। उसके बाद जब उन लोगों ने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद किया तो हम लोग यहां भेज, और आज के तारीख में सरकार भी स्टेटिस्टिक्स देती है कि फलाना स्टेट में फर्टिलाइजर का प्रयोग कम होता, आंदोलन होने लगता, पॉलिटिकल पार्टी भाषण देने लगता है कि किसानों को नहीं मिल रहा है फर्टिलाइजर, अरे साला जहर है वो जिसके लिए आप पैरवी करो। तो अगर वैसा ही खाना आपको मिल रहा है तो अब क्या किया जाए, तो केमो प्रिवेंशन स्टेज 2, अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, फल और सब्जी और सप्लीमेंट लें। ये तो आपके हाथ में है कि नहीं है, आगे उस पर हम बताते हैं। कहता है कम से कम 3-4 बार, आइडियल स्थिति है 6-7 बार दिन में फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। एक बार एगो सेव खा लिए, एक बार एगो केला खा लिए, एक बार एगो तरबूजा खा लिए, एक बार एगो खरबूजा खा लिए, एगो नारियल का पानी पी लिए, दिस यू कैन डू। और सप्लीमेंट्स का प्रयोग आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर ग्लेडिस ब्लॉक, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एमेरिटस भी रहे हैं, और उनका एक लेख छपा है, डायट्री गाइडलाइंस एंड रिजल्ट्स ऑफ फूड सर्वे 1991, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपा था। उसके अनुसार एंटीऑक्सीडेंट और फल और सब्जियों के नियमित और पर्याप्त सेवन से कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। अमेरिका के जर्नल में रिपोर्ट इस डॉक्टर के हवाले से छपा। एक और बहुत बड़े डॉक्टर हुए, डॉक्टर ब्रूस एमिस। डॉक्टर ब्रूस एमिस को मैंने कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैंसर साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। उनकी मृत्यु हो गई 2020 में। 500 से ज्यादा इनका पब्लिकेशन छपा है। ये प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्रोफेसर एमेरिटस। प्रोफेसर एमेरिटस का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद भी जो जा रहा हो, प्रोफेसर एमेरिटस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और सीनियर साइंटिस्ट थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल ओकलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये कहते हैं कि जो फल और सब्जी का या फिर सप्लीमेंट्स यहाँ पर 6-7 बार सेवन करेगा
उसके कैंसर होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है, और ये जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन में छपा है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं जिसके हवाले बात करूंगा वह रिपोर्ट और रिसर्च और जर्नल के हवाले से। कहता है, इन्होंने ही लिखा है कि 20 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम विथ विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू डीएनए ऑफ बोथ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। विटामिन ई हैज ऑल्सो शोन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज। ये कह रहा है कि 20 सप्ताह तक लगातार कोई विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन हम लोग का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है ना, कंसेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसको जरूर लीजिए, और जो हम लोग का अल्फा वो बीटा कैरोटीन है जो जेल आता है ग्रीन कलर में। कहता है कि 20 सप्ताह तक कोई आदमी इसका लगातार अगर सेवन करे तो कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है, वो रिसर्च बता रहा है। ये बोलता है केमो प्रिवेंशन 1 और 2, यानी कैंसर होने के पहले ये 2 स्टेज। लेकिन मान लीजिए कि उसके बाद नहीं हुआ, इसके बाद भी हो गया, तब क्या होगा? देखिए, तब भी कहता है कि कैंसर होने के ठीक पहले आपको कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगेगा, केमो प्रिवेंशन 3, यहां भी आप बच सकते। जैसे देखते हैं ना कि गाड़ी में रिजर्व में आ जाता है तेल, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई तेल लीजिए। ब्रेक वाइल का सिग्नल जलने लगता है कि भाई ब्रेक वाइल आपका गड़बड़ है, और तब भी आप गाड़ी रपेटे हैं तो जाइए। तो शरीर भी सिग्नल देता है। तो ये जो केमो प्रिवेंशन 3rd स्टेज है, यह आपको सिग्नल देता है, और यह सिग्नल क्या है यह हम बता दें। देखिए क्या है सिग्नल। पहला ये देख लीजिए, लिकोप्लेकिया। लिकोप्लेकिया क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिएगा कि जो आदमी खैनी खा रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बहुत शराब पी रहा है, ठीक है, पान दबाए हुए है, तो उसका लक्षण कैसे पता चलेगा आपको बताते हैं। हमारे बहनोई को भी कैंसर हुआ, उनका डेथ हो गया, मना करते रहे, लेकिन पान और पान पराग तुलसी मैंने मुंहवा में रख के सोते थे। कैसे पता चलेगा लिकोप्लेकिया क्या है? यहां पर पहले चीज शुरू होगा दर्द, इसमें खोलने में दर्द होगा। अक्सर देखिएगा कि खैनी खाने वाला आदमी, गुटखा खाने वाला आदमी, पान खाने वाला आदमी, सिगरेट पीने वाला आदमी दिन भर मुंहवा ऐसे करेगा, समझिए कि उसका 3rd स्टेज है केमो प्रिवेंशन, उसको दर्द करते रहता है ये। और दांत में और यहां हर उजला उजला छाला पड़ने लगता है, ये सब दर्द करना शुरू होता है, ये फूल जाता है, लिकोप्लेकिया उसको बोलते। ये हो गया, इसका मतलब आपका गाड़ी रिजर्व में चला गया। लिकोप्लेकिया इस प्रकार दिखाई दे सकता है, सफेद या भूरे रंग के धब्बे जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, दाग पड़ गया, खुरदरी, उभरी और झुर्रीदार या चिकनी सतह वाले धब्बे, इस सब में उभरना शुरू हो गया, या संयोजना अनियमित आकार और किनारे वाले धब्बे, अजीब टाइप कुछ फूल जाएगा, कुछ लटक जाएगा, कुछ। यह अवस्था पहली और दूसरी अवस्था के बाद, किंतु कैंसर शुरू होने के पहले की अवस्था। दिस इज द लास्ट प्रिवेंशन स्टेज। यहां तक अगर आप बचे तो बचे, माने रिजर्व में गाड़ी आ गया था, टायर पंचर हो गया था, स्टेयरिंग फेल हो गया था, सिग्नल आपको मिल रहा था, अब नहीं। इस अवस्था में अगर आप आ गए तो शरीर को पोषण और सप्लीमेंट के कारण आपका शरीर यहां से भी उसको छोड़ दीजिएगा तो रिपेयर हो जाएगा। यानी ये लक्षण भी अगर आ गया और भरपूर सप्लीमेंट उसको मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए और वो सब धंधा छोड़ दे, तब भी वो बच सकता है, केमो प्रिवेंशन के स्टेज से भी वो आदमी वापस आ सकता। देखिए कैसे होता है,
फ्री रेडिकल कैसे डीएनए को क्षतिग्रस्त करता है। देखिए ये फ्री रेडिकल है, छाया जो बनना शुरू हो गया, नाचते रहेगा, सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, माने समझिए कि वो चोर है जेल से निकल गया तो दूसरा चोर खोजेगा। ये डीएनए में गया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, और ये जो डीएनए ऐसा होना चाहिए इसको डैमेज कर, अब ये डैमेज कर दिया, बस ये इसकी व्यवस्था गड़बड़ानी शुरू हो गई। देखिए नॉर्मल सेल है, तनाव हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन गया, स्ट्रेस हुआ, अब देखिए सेल्स विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना डैमेज हो। ये सारी चीजें बता रही है कि अब आइए हम अपनी बात को रैप अप करते हैं। अब कुछ बेसिक चीजों को समझ, ये तीन स्टेज बताए, पहला स्टेज तो छोड़िए, दूसरा स्टेज है कि कुछ चीज है जो आप नहीं बदल सकते, केमिकल मिलेगा ही, फर्टिलाइजर मिलेगा ही, तनाव होगा ही, धुआं धक्कड़ होगा ही, नॉनवेज खाने के आप शौकीन है ये हैं, शादी ब्याह हम चलिए जाइएगा, वैसे में क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट की शरीर की मात्रा बढ़ाइए, मॉर्निंग न्यूट्रिशन में गए, अच्छा फूड लिए, अच्छे एक्सरसाइज किए, अच्छी सोच किए, और एंटीऑक्सीडेंट और सप्लीमेंट्स की भरपूर मात्रा लीजिए, लास्ट में हम बता देंगे क्या क्या सप्लीमेंट्स इसमें काम करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं सुधरे तो ईश्वर आपको थर्ड स्टेज में लाके चेतावनी देगा, मुंह में दर्द होना शुरू हो जाएगा, महिलाओं में वेजाइना के पास और ब्रेस्ट के पास गांठ हो जाता है, ब्रेस्ट के पास गांठ होने लगेगा, समझिए ब्रेस्ट कैंसर होने का लक्षण है, वेजाइना में बार बार खुजली होना, घाव निकल जाना, पानी निकलना, समझिए कि वो कैंसर के लक्षण, पेट में लगातार दर्द हो रहा है उन चीजों के कारण, सिगरेट पी रहे हैं, खांस रहे हैं, बार बार अल्कोहल लेते हैं, दर्द हो जा रहा है, उल्टी हो जा रहा है, वोमिट ब्लड निकल जा रहा है, ये थर्ड स्टेज, यहां पर तो इन चीजों को एकदम बंद कर दीजिए, और 20 सप्ताह तक ये जो डॉक्टर एमिस कहते हैं, और ये कहते हैं कि डॉक्टर ब्रूस एमिस, कि अगर 20 सप्ताह तक हाई डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स लेगा आदमी तो 50% उसके चांसेस हैं खतरा से बचने। अब एक दो चीज और जान लीजिए, इसमें जो एक दो बड़े अच्छे साइंटिस्ट का, जिसमें इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, उनका नाम हम जरूर रेफर करें, आप लोग गूगल करके इसके बारे में जरूर पढ़ सकते हैं, डॉक्टर केदार प्रसाद यूएस में रहते हैं, इंडियन हैं, ये कैंसर के बारे में बहुत जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार ये कोलोराडो मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज, वो स्कूल मेडिकल कॉलेज को बोलते हैं, वहां ही लोग पढ़ाते हैं, और एक और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरविंदु ग्रेवाल, इनका एक रिसर्च पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ मेडिसिन में 95 दिसंबर में, इफेक्ट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन रिवर्सल ऑफ लिको प्लासिया, आप लोग इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टर हरविंदु ग्रेवाल, इनका जो रिपोर्ट है उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन रिवर्सल ऑफ लिकोप्लेकिया, यानी जो लिकोप्लेकिया हो गया है उसको रिवर्स करने का, उसको वापस करने का, उसको ठीक करने का में एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है, और ये जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा है यूएस में। इसका मतलब क्या हुआ कि कैंसर होने के पहले तीन चांस आपको भगवान देता है कि आप उससे बचिए, स्वयं बचिए, समाज को बचाइए, परिवार को बचाइए, ह्यूमैनिटी को बचाइए।
लेकिन सबसे पहले स्वयं बचिए। देखिएगा एरोप्लेन में जैसे चढ़िएगा तो एयर होस्टेज इशारा करेगा, ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर आपके सामने डैशबोर्ड से ऑक्सीजन की पट्टी स्वयं नीचे उतर जाएगी। पहले उसको नाक में लगाकर सांस लें और तब दूसरे की मदद करें। उसमें इन्हें कहता है अपने छोड़ के पहले दूसरे को लगाए दें। तो सबसे पहले प्रिवेंट योर सेल्फ, अपने आप को बचाइए और तब आगे चीज को लेके चलिए। इस स्टेज के बाद जब आदमी घुसता है तब कैंसर का पहला स्टेज आता है जिसमें एक्चुअल कैंसर डिटेक्ट होता है। लेकिन याद रखिए कैंसर का पहला स्टेज जब डिटेक्ट होता है तो वो शायद कैंसर के पहले लक्षण 20 से 25 वर्ष आपके शरीर में शुरू हो गए। यानी कोई आदमी ईश्वर न करे अभी वो स्वस्थ है, वो निश्चिंत होकर इसलिए नहीं बैठ जाए कि हम तो स्वस्थ, आपको कुछ नहीं पता है कि न जाने आपके शरीर के किस अंग में, न जाने आपकी कौन कोशिका में कौन सा स्ट्रेस, कौन सा तनाव, कौन सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके किस सेल को डैमेज कर रहा हो और वह सेल डैमेज होकर के मैलिग्नेंट सेल हो गया हो, एबनॉर्मल सेल हो गया हो और उसका ग्रोथ शुरू हो गया हो, और इसका पता आपको 20 साल के बाद चले। न जाने कौन सा दुश्मन आपके खिलाफ कहां साजिश कर रहा हो, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने घर को मजबूत कर लें, घर के चारों तरफ दीवार मजबूत कर लें। इसलिए दोस्तों 6 सप्लीमेंट हम बता देते हैं, इसका पर्याप्त मात्रा में स्वयं भी सेवन करिए। और जिसको इस तरह के लक्षण है या जो लोग इस तरह की चीजों में शराब पिए रहे हैं, सिगरेट पिए रहे हैं, खैनी खेवे करेंगे, दारू पीवे करेंगे, गुटखा खेवे करेंगे, धूप में रहवे करेंगे, अंड बंड खेवे करेंगे बाजार का, तो एक तो छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं भी तो 6 सप्लीमेंट सजेस्ट कर। पहला डेली प्लस, क्योंकि इसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट पदार्थ पर्याप्त है मात्रा में। दूसरा बीटा कैरोटीन। तीसरा कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2 ठो लीजिए सुबह एक शाम, उसमें सारे प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। इसके बाद सेलमन ओमेगा, जिसमें विटामिन ई है, अल्फा डी टोकोफेरोल, उसके बारे में तो अलग से लिखा ही गया है कि अल्फा डी टोकोफेरोल जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, वो बहुत मदद करता है। अल्फा डी टोकोफेरोल सेलमन ओमेगा 2, कोएंजाइम क्यूटेन 2 और विटामिन सी 1, ये 6 मैंने बता दिया ना, डेली प्लस, बीटा कैरोटीन 2, कंसंट्रेटेड फ्रूट वेजिटेबल 3, ओमेगा 4, आपको ये क्या बताया, कोएंजाइम क्यूटेन 5 और एक और कौन बताया, विटामिन सी, ये 6 पर्याप्त मात्रा में लीजिए। हम सिल्वर अनअप में प्रत्येक दिन एक वीडियो डाल रहे हैं आजकल आसन प्राणायाम करने का और उसके बाद नाश्ता करने के बाद सप्लीमेंट्स, आप उसको देखेंगे कम से कम 12 से 13 सप्लीमेंट रोज लेंगे, सबसे बेहतरीन सबसे शानदार आपका जीवन है, सर्वश्रेष्ठ आपका जीवन है और हर जीवन को बचाना हमारा दायित्व। आज के लिए इतना ही। लास्ट में चलते चलते आपको यही बता सकते हैं कि जीवन अनमोल है, ईश्वर ने इस जीवन को इस धरती पर कई कार्यों के लिए भेजा है, जिसमें अपनी काया को सुंदर स्वस्थ रखते हुए समाज को कंट्रीब्यूट करना, लेकिन आप समाज में तभी कंट्रीब्यूट कर पाइएगा जब आप स्वयं स्वस्थ रहिएगा और जब आपके पास कुछ रहे। एक लॉ है जिसको बोलता है लॉ ऑफ टिथिंग, दान की शक्ति। दुनिया में बहुत सारी शक्तियां हैं लेकिन जो दान की शक्ति है, देने की शक्ति है, वह सर्वश्रेष्ठ। आइए हम अपने जीवन को बचाएं और दूसरे को भी जीवन दान दें, दूसरे को भी मदद करें ताकि वो अपना जीवन बचा सके।
ईश्वर सबको आशीष दें। आइए अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश कैंसर से लड़ने के इस मुहिम में, कैंसर मुक्त करने की इस अभियान में, इस संघर्ष में, इस अभियान में लोग सम्मिलित हों और एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ समाज की रचना। नमस्कार, धन्यवाद।